ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तम् न विदु शुराशुरगणा देवाय तस्मै नमः। वागर्था विवशं प्रिक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि त्वमहं न जाने कृष्णा परम किमपि त्वमहं न जाने। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवद रस रसिक भक्त वृंद, भक्तिमती माताओं, विद्वत मंडली, मनुष्य जन्म आ
अपने आप में उसी दिन सार्थक हो जाता है जिस दिन व्यक्ति अपने अंतस में और अपने से बाहर किसी परम सत्ता के हाथों में ये संसार निरंतर परतंत्र है, उसके ही इच्छा तंत्र में संसार का समस्त क्रियाकलाप चल रहा है। मैं एकमात्र उस सूत्रधार परमात्मा ईश्वर के हाथ में एक यंत्र हूं, ऐसा जिस दिन समझ लेता है, जिस दिन इस तथ्य को वो समझ लेता है कि संसार एक नाटक की तरह से है, नाटक पहले से ही निश्चित होता है। हम आप सब देखते हैं, देखने के साथ पता नहीं चलता, लेकिन भूमिका पहले से ही निश्चित है। जैसे ही अपनी अपनी भूमिका पूरी होती है, नाटक के कुछ पात्र जो अपने आप को बड़े प्रीतिकर लगते हैं और कुछ पात्र अपने को अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनकी भी भूमिका निश्चित है। और इस नाटक का कोई सूत्रधार है। सुबह के सत्र में एक बात चल रही थी, उस परमात्मा को अनेक नामों से बताया गया। ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, ये सब उसके अलग अलग नाम हैं। तुलसीदास जी ने कहा अपनी सीधी सादी भाषा में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसी बात को ग्रंथ साहिब में बड़े ही अनूठे और बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहा गया ये जो मनुष्य शरीर है, गोविंद मिलन दीवरिया, ये मनुष्य शरीर गोविंद को पाने का समय है। मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर की विशेषता क्यों? मनुष्य शरीर में आप कुछ बातों में तो हर प्राणी किसी समानताओं से जुड़े हैं। भगवत पाद आचार्य शंकर ने कहा पश्वादिभिश्च अविशेषात्, जहां तक भोग वृत्तियां हैं उनमें मनुष्य और पशु पक्षी सब समान है। अनंत बार हमारे आप सबके जन्म हो चुके हैं, उन सभी जन्मों में सबके कहीं ना कहीं घर रहे हैं, घर में अपना अपना परिवार रहा है, सब कुछ मिला है, इंद्रियों के अनुरूप विविध भोग भी मिले हैं, लेकिन एक बात नहीं सिद्ध हो सकी, वह योग। योग किसका?
जिसे सुबह बता रहे थे, संसार में आपको जो कुछ भी मिला है, जो भी पदार्थ मिले हैं, जन्म भी एक संयोग है और आप लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं मिला। माँ बाप भी मान लेते हैं कि हमने जन्म दिया, लेकिन अपनी जन्म देने की यदि स्वतंत्रता होती तो किसी का भी बेटा कम बुद्धिमान नहीं होता। बहुत जैसा हम चाहते हैं उस रूप रंग का होता, उसका बौद्धिक स्तर उसी तरह का होता, उसी तरह का वह रूप सौष्ठव पा करके जन्म लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर संतान विकलांग पैदा हुई, बौद्धिक स्तर में पिछड़ी पैदा हुई, तो इसका मतलब है कि जन्म के साथ माता पिता और जन्म लेने वाले बच्चे का भी अपना एक संयोग है, और यह संयोग हमारी आपकी इच्छा से नहीं, कोई है जिसकी इच्छा से घटित हुआ। जन्म के बाद जैसे जैसे होश संभाला, जीवन के विकास क्रम में कुछ पदार्थ मिले, कुछ परिस्थितियों की व्यवस्थाएं मिली, योजनाएं बनी, जीवन का स्तर सामग्रियों के संग्रह के साथ आगे बढ़ा, घर मकान कहीं आने जाने के साधन मिले, सब कुछ मिला, ये सब एक संयोग है। जो संयोग घटित होता है उसका निश्चित ही वियोग हो जाता है, इसलिए संयोग और योग में फर्क है। योग का मतलब है कि जो अपने आप में कभी परिवर्तित न हो। योग दर्शन में योग को कई रूपों में परिभाषित किया, योगस समाधि। योग क्या है? समाधि। समाधि के साथ साथ युजिर योग ऐसा भी अर्थ किया, अपने इस जीवन की परतंत्रता में जन्म से लेकर हम योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं के साथ साथ शरीर थक जाता है। आपने देखा आचार्य शंकर ने एक सुंदर चित्रण किया, सुंदर दृष्टि दी, बालस्तावत क्रीड़ा शक्ता, तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, वृद्धस्तावत चिंता मग्ना। जब बचपन में थे तो मिट्टी और लकड़ी के प्लास्टिक के खिलौनों के साथ खेले, बड़े हुए खिलौने बदल गए, जीवंत संबंध घटित हुए, उन संबंधों के साथ हमारा एक खेल चलता रहा। धीरे धीरे शरीर शिथिल हुआ, वृद्धता आई, और वृद्धता के साथ कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। वृद्धता का अंत किस में है? बचपन को जवानी ने तोड़ा, जवानी को वृद्धता ने खत्म किया, और वृद्धता का अंत किस में है? निश्चित ही है, भले ही सुनने में अच्छा नहीं लगता, मृत्यु। कहते हैं ये जो मृत्यु है किसकी इच्छा से? आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं चाहा, इस तरह की योजना नहीं बनाई कि मेरी मृत्यु हो, लेकिन मृत्यु की विडंबना में हर जन्म लेने वाला व्यक्ति यहां से निश्चित ही जा चुका है, जाएंगे, जाते रहेंगे, आया है सो जाएगा, कहेंगे दास कबीर। तब प्रश्न है, न जाने वाला चाहता है कि मैं जाऊं, और जिनके बीच से जा रहा है वो भी नहीं चाहते कि हमारा कोई स्वयं संबंधी जाए। ये मृत्यु का वियोग किसके इच्छा तंत्र में है? जिसके इच्छा में है,
आप किसे बताएंगे? एक उदाहरण है, समझने के लिए है। एक महात्मा ईश्वर के साथ अपने आप को मग्न रखकर यही कहता, सब ईश्वर की इच्छा। एक भक्त प्रश्न कर देता है एक दिन, तार्किक भक्त है, कि यह कैसे मान लिया जाए कि ईश्वर है? महात्मा ने कहा, बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। ईश्वर है, ध्यान दें सज्जनों, एक दिन अचानक एक महात्मा के सामने जब दूसरे लोग बैठे हुए हैं, एक लंगड़ा युवक प्रवेश करता है। महात्मा ने कहा, आओ बेटे, तुम लंगड़े क्यों हो गए? कब से लंगड़े हो? उसने कहा, मैं जन्म से ही लंगड़ा हूं। महात्मा ने कहा, बहुत गलत हुआ, तुम लंगड़े क्यों पैदा हुए? मैं समझता हूं लंगड़े पैदा तो होते हैं, ऐसा तो नहीं कि लंगड़े न जन्म लेते हो। ऐसे भी व्यक्ति जन्म लेते हैं जिनकी दृष्टि नहीं है। वो व्यक्ति सोच नहीं पाता, युवक सोच नहीं पाता क्या जवाब दे, कि महात्मा कहता है कि बहुत गलत हुआ, लंगड़े क्यों पैदा हुई है। थोड़ी ही देर में एक वृद्ध महिला प्रवेश करती है, वृद्ध पुरुष प्रवेश किया। उस युवक ने बताया, स्वामी जी, ये मेरे माता पिता हैं। महात्मा ने बहुत प्रेम से बैठाया और बैठाने के बाद पूछा, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ। माता, तुमने लंगड़े बेटे को क्यों जन्म दिया? वो क्या उत्तर देगी? कुछ तो कहना पड़ेगा। जन्म लेने वाला भी नहीं चाहता कि मैं लंगड़ा जन्म लूं, जन्म देने वाला भी नहीं सोच सकता कि मेरे लंगड़ा बेटा हो सकता है। किसकी इच्छा से? जिसकी इच्छा से। ध्यान दें, जिस संसार में आप बैठे हुए हैं, संसार में दो कृतियां हैं। एक तो आदमी की कृति, आप जिस मकान में बैठे हुए हैं, सुखदेव आश्रम के इस विशेष सभागार में बैठे हैं, ये सभागार किसने बनाया? बनाने वाला तो कोई है, आप मानते हैं, लेकिन बनाया किससे? ईंट से, सीमेंट से। ईंट और सीमेंट हम मान लेते हैं कि आदमी ने बना दिया, लेकिन ईंट जिस मिट्टी से बनी है, उस मिट्टी को किसने बनाया? मिट्टी, जल, ये पवन, आकाश और ये सूर्य चंद्र दिन रात की व्यवस्था जिसमें आप हम सब जीवन जी रहे हैं, ये सब किसके द्वारा है? मकान और सड़कें आदमी ने बनाया, ये आदमी की कृति है। लेकिन जो आदमी नहीं बना सकता, उसको किसने बनाया? तब मानना पड़ेगा इस संसार के पीछे कोई मिस्टीरियस पावर है। हम आप सब जिसकी इच्छा में जन्म लेते हैं, जिसकी इच्छा में हमारे जीवन का अंत हो जाता है, जीवन भी उसके ही तंत्र में चल रहा है। ये श्वास और प्रश्वास हम मानते हैं कि जीवन है, लेकिन कठोपनिषद में कहा, न प्राणेन न पानेन जीवो, न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। प्राण और अपान से कोई जी रहा हो ऐसा नहीं है, किंतु यस्मिन एतौ